तो इस वीडियो के एंड में तुम्हें पता चल रहा होगा कि क्यों क्यों तुम्हें क्लैट के लिए ना केवल मेहनत करना बल्कि पूरे जोर शोर से मेहनत करना जरूरी है दोस्त, बिकॉज तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर्स नेशनल यूनिवर्सिटीज में लाइक कर रहा है। कॉलेज रिव्यूज की इस वीडियो सीरीज का लेक्चर का पर्पज ही यही है कि तुम्हें पता चल पाए कि तुम किस जगह किस सपनों की दुनिया में पहुंचने वाले हो दोस्त। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों नेशनल यूनिवर्सिटी उड़ीसा शायद तुम्हारा ड्रीम कॉलेज हो सकता है। दोस्तों बात करनी है आज एक बहुत ही शानदार कॉलेज के बारे में। होप तुम सब अच्छे होगे, अच्छे तैयारी कर रहे होगे, और अगर तैयारी कर चुके हो क्लैट के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो होप तुम्हारे नंबर बहुत ही बढ़िया आए होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे नेशनल यूनिवर्सिटी उड़ीसा के बारे में। हमारा ये कॉलेज रिव्यू नंबर 3 हो रहा है NLU के बारे में। एक शानदार सी इमेज तुम्हारे सामने प्रकट हो चुकी है दोस्त, अपने NLU का ये सिंबल दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है तुम्हें। ये किसके द्वारा? इस सिंबल को नहीं बोलना है दोस्त, द लंग्स फायर के द्वारा। जी हाँ, ऐसे ही शानदार कॉलेज रिव्यूज मैं तुम्हारे लिए लेके आने वाला हूँ ऑलमोस्ट ऑल द नेशनल यूनिवर्सिटीज के, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट प्राइवेट लॉ कॉलेज के। तो अगर अभी तक यहाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो उस बटन को दबा दो रेड वाले को, और घंटे को जरूर दबाना, बिकॉज कॉलेज रिव्यूज की जो इंटरेस्टिंग वीडियो तुम्हें ना केवल नॉलेज देंगी अपने फ्यूचर ड्रीम कॉलेज के बारे में, बल्कि तुम्हें अंदर से मोटिवेट करेंगी कि मेरे को क्यों मेहनत करनी है सर, मेरे को क्यों आगे बढ़ना है सर। उस सब के बारे में सबसे पहले दोस्त तुम्हें नोटिफिकेशन मिल रहा होगा और तुम्हारी तैयारी को एक बूस्ट मिल रहा होगा। इंस्पिरेशन मोटिवेशन में जो अंतर हो रहा होगा वो यही यही क्रिएट करेगा यार, तुम्हारी जो ड्रीम फ्यूचर दुनिया होने वाली है उसके बारे में तुम्हें पता चल रहा होगा इन वीडियोस के थ्रू। मैं तुम्हें ये सब चीजें ऐसे ही हवाबाजी में नहीं बताऊंगा, मेरे दोस्त अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनसे मैं पर्सनली कॉन्टेक्ट करता चला जा रहा हूँ, डिटेल्स निकलवाता चला रहा हूँ, और किसी भी चीज किसी भी जगह किसी भी कॉलेज के बारे में उस जगह पढ़ रहे बच्चों से अच्छी बातें कोई नहीं बता सकता दोस्त। तो इसीलिए मैं कहूंगा इससे बेस्ट कॉलेज रिव्यू, पहली बात तो कॉलेज रिव्यूज है ही नहीं, हमको खुद अपने टाइम में ढूंढने में इतनी दिक्कत होती थी कॉलेज के बारे में पता चल जाए कैसा है क्या है। और अगर दोस्त तुम्हें मैं ये सब लाके दे रहा हूँ, तुम्हारा ही फर्ज बन रहा है कि मेरे को सब्सक्राइब मारो, ठीक है, वीडियो को फैलाओ जितना फैला सकते हो। और अगर कोई पर्सनल डाउट भी हो ना दोस्त, तो इंस्टा पे दी लंसपायर की लिंक जो मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दी है ना, उस पर जाके जाओ, फॉलो करो, टेक्स्ट करो, आज नहीं कल तुमको रिप्लाई दूंगा और तुम्हारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। सो विद दैट प्रॉमिस आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं NLU के बारे में, बेसिक डिटेल्स उठाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ईयर। जी हाँ, 2008 में NLU एक्ट के द्वारा ये एस्टेब्लिश हो रहा है। एरिया लगभग इसका 60 एकड़ का दोस्त काफी होता है, मतलब कि एक कैंपस एरिया, एक कैंपस लाइफ। लास्ट दो जो मैंने तुम्हें वीडियोस बनाई उनको देखो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उन दोनों कॉलेज में काफी कम एरिया हो रखा है। ऑल्दो CNLU में है, मतलब बट MIMS की बात करो तुम तो एक बिल्डिंग में तुम्हारा कॉलेज हो रखा है, ठीक है। इन सब चीजों को देखो तो 60 एकड़ का कैंपस है, काफी बड़ा एरिया हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ सारी फैसिलिटीज की अच्छी खासी अरेंजमेंट्स मिल जाती हैं, तो इसलिए तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होती है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ कैंपस लाइफ। ओके दोस्त, लोकेशन कटक में हमारा ये लाई करता है। जी हाँ, नियर महानदी रिवर, इसका बहुत बढ़िया लोकेशन मिल जाएगी तुमको, थोड़ा सा नेचर का भी टच बना रहेगा तुम्हारे कॉलेज के आसपास, ठीक है।
तो लोकेशन एग्जैक्टली बात करें तो तुम्हारा कटक जंक्शन से जो है ना 25 मिनट तुम ऑटो से लोगे और अपने शानदार से सुंदर से खूबसूरत से कॉलेज पहुंच रहे होगे दोस्त, ठीक है। अच्छा, एयरपोर्ट तो भुवनेश्वर का एयरपोर्ट लगभग 40-50 मिनट की दूरी पे है, तो दिस इज लाइक छोटा सा डिस्टेंस अपने, अगर आप ट्रैवलिंग के लिए बात करो तो अच्छी खासी कन्वीनियंस हो रखी है, तो आप कहीं से भी इंडिया के ऑल कॉर्नर से आप आराम से कटक पहुंच सकते हो, उस सब की कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। हम लोग सोचते हैं कि इतना दूर जाना है। डियर पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, चाहे तुम्हारा शहर जिसमें कॉलेज है वो 120 किलोमीटर है या 1200 किलोमीटर, डजंट मेक अ डिफरेंस दोस्त। जब कॉलेज की छुट्टी होगी ना तभी तुम्हें घर आना है, तो इन सब चीजों को फैक्टर मत बनाओ अपने कॉलेज के डिसीजन लेते समय। तो इसीलिए अब अपना वाइजली लेना डिसीजन, ये देखते हुए कि क्या मेरे कॉलेज तक मैं आसानी से पहुंच सकता हूं और अपने कॉलेज से आसानी से वापस आ सकता हूं। और आज की तारीख में, आज की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की दुनिया में, अपने आप को ये चीज झूठ मत समझाओ कि बहुत दूर है दोस्त। सब उतना पास है, कोई 4 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 18 घंटे, कोई फर्क है क्या यार? अगर तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें 18 घंटे ट्रैवल करना पड़ रहा है तो गलत है, आई डोंट थिंक सो। इसीलिए इस चीज को अपना डिस्कशन डिसीजन का वो मत बनाओ, बेसिक मत बनाओ। चलो, अच्छा ज्ञानबाजी हो रही है सर, ठीक है, अच्छा लग रहा है। एडमिशन कैसे मिलना है ये तो बता दो। तो एडमिशन हम लोग ले रहे हैं शानदार से कॉलेज में क्लैट के थ्रू, क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं अपन, बढ़िया सी रैंक ला रहे हैं, 1100 से कम ले आओ तो आराम से होने वाला है, और थोड़ा सा वैकेंसी का फंडा लगा लगू के तुम लोग इसमें घुसने वाले हो, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे तुम्हें डिटेल्स जो है वो क्लैट की वेबसाइट में मिल जाएंगी, इस पे तुम लोग देख सकते हो जाके। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। चलो बात करते हैं कोर्सेज कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं। तो BA LLB और BBA LLB के दो कोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि हम लोग बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट के केस में। और जब हम LLM की बात कर लेते हैं, तो हमें मिल जाती हैं जनरल की 44 सीटें, और ये जो SC ST NRI इसके जो फॉरेन नेशनल की सीटें हैं ये हमें मिल जाती हैं 6। तो इन तरह से हम सीट्स का ब्रेकअप देख सकते हैं, हमारे पास सीट्स काफी हैं NLU में जब हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें। इसके बाद हम देखेंगे कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया कैसा है। देखो यार, कई जगहों पर रिजर्वेशन थोड़ा ज्यादा होता है, कई जगहों पर थोड़ा कम होता है, तो आई वुड से लास्ट ईयर ही NLU में शायद जो है ना उड़ीसा के लोगों के लिए भी रिजर्वेशन आ गया है। फिर भी आई वुड से कि यहाँ पे कम रिजर्वेशन है व्हेन कंपेयर्ड टू सम अदर NLUs, तो दैट इज अ थोड़ा प्लस पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे फिर मोस्टली जो है मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा होगा, है ना, तो क्वालिटी आपको स्टूडेंट्स मिल रहे होंगे। फी स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जब हम कहीं भी एडमिशन लेने की बात कर रहे होते हैं, तो एज इट इज अ नेशनल यूनिवर्सिटी ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, ठीक है। 1,20,000 ट्यूशन फी आप दे रहे होंगे लगभग, ठीक है। इसके बाद 2,00,000 आपकी टोटल फीस बन रही होगी जाके, ये सारे खर्चे जोड़कर, एडमिशन फी, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, एग्जामिनेशन फी, इंटरनेट सर्विस फी, ये सब क्या है ना, वाईफाई आपको मिल जाता है कॉलेज में आराम से, ठीक है, बढ़िया वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, है ना, तो स्पोर्ट्स एंड गेम फैसिलिटीज आपके लिए, सब चीजें जो मेंटेन करी जाती है कॉलेज के द्वारा, उसके लिए कॉलेज को पैसा चाहिए। अब ये आपसे थोड़ा थोड़ा मिनिमम अमाउंट चार्ज करता है और आपको ये बेस्ट क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो आई थिंक वर्थ इट है। देख सकते हैं कॉलेज मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए हमें भी, ठीक है। ऑन कैंपस फैसिलिटीज दोस्त, यही तो कॉलेज लाइफ है, चीजें जो हमें कॉलेज प्रोवाइड कर रहा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोजर, और NLU एज एन इंस्टीट्यूशन तुम्हें सफिशियंट एक्सपोजर प्रोवाइड करता है अगर तुम आगे लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो, खुद को दुनिया के सामने लाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं दोस्त, ठीक है। तुम सोशल वर्क करना चाहते हो, तुम्हारे लिए उसके लिए भी कमिटीज हैं, सोसाइटीज हैं, तुम्हें बाहर जाने को तुम्हें एक्सपोजर मिलता है, स्पोर्ट्स में खेलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़िया कैंपस हो रखा है, बढ़िया फैसिलिटीज हो रखी हैं, हर चीज जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें यहाँ मिल रही होती है। आगे भी देख लो दोस्त, इस तरह के बढ़िया शानदार कोर्ट भी मिल रहे होते हैं अपने को, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हर चीज की व्यवस्था हो रखी है भाई मेरे। तो अभी तक अगर लग रहा है कि कॉलेज वाली ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, भूल जाते हो आई नो, इसलिए याद दिला रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, ठीक है। अब ये जो पीछे बढ़िया सी पिक्चर आ रही है, ये हल्का सा एक प्रीव्यू है तुम्हारे NLU के रूम्स का दोस्त। जी हाँ, यही अपने रूम्स होते हैं NLU की अगर हम बात करें, और बहुत अच्छे हैं मेरे भाई। हॉस्टल के हिसाब से देखा जाए तो हॉस्टल इतने अच्छे नहीं होते,
तो ये चीज हम कहेंगे कि इसमें भी हम एनएमयू को एक अच्छा ग्रेडिंग दे सकते हैं, यानी कि आपको रूम्स अच्छे मिल रहे हैं, आपको फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं। अभी तक हम लोग एनएमयू के बारे में जो कुछ चीजें देख रहे हैं पॉजिटिव मिलती चली जा रही है। चलो बात करते हैं कर्फ्यू टाइमिंग की। तो कर्फ्यू टाइमिंग सर मतलब क्या होता है, तो आपको इसका मतलब है कि आपको कब लास्ट कौन से टाइम तक आप कैंपस एरिया में घूम सकते हो, आपको कितने बजे हॉस्टल में घुसना होगा, इसका मतलब है कर्फ्यू टाइम। तो कहना जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, तो एक बजे तक आप रात में एक बजे तक लड़के लड़कियां दोनों कैंपस में घूम सकते हैं, उसके बाद उन्हें हॉस्टल में घुसने की मतलब उनको घुसना पड़ता है। ठीक है, फैसिलिटीज देख सकते हैं, कुछ कुछ बॉयज हॉस्टल दो मिल रहे हैं अपने, गर्ल्स हॉस्टल दो मिल रहे हैं, कैफेटेरिया नेस कैफे, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट बॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, फूसबॉल भी मिल जाता है शायद से, ठीक है लिखना भूल गया दोस्त, ठीक है। और जिमनेशियम है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बारे में एक जान लो चीज दोस्त, लाइब्रेरी अभी तक अपने एनएलयू में ना एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा वो मिल रहा था क्या, कि अभी तक एनएलयू की लाइब्रेरी जो है ना एक तरह से कुछ कमरों का संगठन, इसके अंदर किताबें भरी कुछ इस तरह का हो रखा था, यानी कि प्रॉपर लाइब्रेरी नहीं थी। तो कुछ प्रोटेस्ट हुए, आई थिंक लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन पे बात हुई, और अब अंडर कंस्ट्रक्शन है तुम्हारी लाइब्रेरी। तो आने वाले बैचेस के लिए एक अच्छी खबर है कि तुम्हारे लिए एक शानदार लाइब्रेरी तैयार करी जा रही है एनएलयू के द्वारा। ठीक है, ऊपर की जो फैसिलिटीज तुमने देख ली वो भी ए क्लास है, एरिया अच्छा खासा है कॉलेज के पास, तो तुम्हारे लिए वो अच्छी खासी ये चीजों के लिए एरिया प्रोवाइड कर पा रहा है और तुम्हें अच्छे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दे पा रहा है। ठीक है, कैंटीन में तुमको मिल जा रही है, ठीक है, बॉयज के लिए दो और ये गर्ल्स के लिए एक, एसेक्ट्रा, इस तरह की छोटी मोटी चीजें, ये सब चीजें तुम्हें ये कैंपस एरिया, कैंपस लाइफ का जो एक फील है उसको थोड़ा और एनरिच कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, तो इन चीजों को जानना जरूरी है। फ्लैगशिप इवेंट दोस्त, कॉलेज में अपने ही तरह के त्यौहार होते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम हर एक धर्म में जो त्यौहार होते हैं ना उनको एक तरफ रख दो, कॉलेज के अंदर त्यौहार है हमारे फेस्ट, त्यौहार है हमारे डिबेट्स, त्यौहार है हमारे मूड्स, त्यौहार है हमारे दिवाली नाइट्स, क्या क्या बोलूं दोस्त। बात करनी है हमारे डीजे नाइट्स की, जी हाँ, अलग अलग तरह से हम मौके ढूंढते रहते हैं दोस्त जहां पे हम एंजॉय कर सकें। जी हाँ, आपको कायरान फेस्ट मिलेगा, आपको एनएलयू और बीपीटी मिलेगा। यहाँ पे इन सब फेस्टिवल्स में हो क्या रहा होता है कि बच्चे मिलके अपने कुछ कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें किसी में तो एनएलयू के ही बच्चे पार्ट लेते हैं और किसी में बाहर से बच्चे आते हैं, एंड देन आफ्टर दैट ऑल ऑफ देम सेलिब्रेट टुगेदर, हैव ग्रेट फूड, हैव ग्रेट नाइट लाइफ, हैव ग्रेट डांस पार्टी, हैव ग्रेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू वॉन्ट टू इंजॉय। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे होते हैं कि कॉलेज में जो फेस्ट वगैरह है वहाँ वो भी अच्छे खासे हो रहे होते हैं, मस्ती वस्ती चल रही होती है। अब देखो इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ मूट की एक बात बता देता हूँ, देखो ऐसा है कि किसी भी कॉलेज में अगर इंटरनेशनल लॉ मूट हो रहा है ना, तो समझ के चलो कि वहाँ पे इंटरनेशनल मूट का यानी कि मूटिंग कल्चर अच्छा खासा हो रखा है। तो जैसे मैं कुछ लो एनालिस्ट की बात करूं तो वहां पे ये चीज एब्सेंट है। देखो एक चीज के पीछे ये भी कारण है कि अभी जो एनालिस्ट जस्ट आए हैं उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं हो पाया, उनके बच्चे कहीं पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इस वजह से उनके पास ये चीजें करने का मादा ही नहीं है। बट एनएलयू अपने आप में ठीक ठाक इसमें अच्छा कर रहा है, बल्कि पॉइंट ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा लेगेसी नहीं है इसकी, बहुत पुराना, इस सब में बहुत धाकड़ नहीं कर रहा है, बट इट हैज स्टार्टेड ग्रोइंग, इट हैज स्टार्टेड इवॉल्विंग। तो आने वाले बैचेस के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि कंटिन्यूसली ग्रोथ जहां हो रही है वहां आपके लिए जाना फायदेमंद साबित हो सकता है दोस्त। ओके, चलिए बात कर रहे हैं आगे की, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की, जो कि होने वाला है हमारा हॉस्टल फैसिलिटीज दोस्त। हॉस्टल फैसिलिटीज में रूम्स कैसे अलॉट होते हैं सर, सिंगल रूम तो मिल रहा होगा शानदार सा, सिंगल रूम 16,000 रुपए में कहीं कॉलेज में मिल रहा है तुम्हें, साल भर के लिए बहुत अच्छी बात है। कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पे ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी से ज्यादा प्राइसेस में मिलते हैं, तो ऑन दैट बेसिस आई जज, तो जी हाँ हॉस्टल फैसिलिटीज के नाम पे एनएलयू वो फिर से बैंग ऑन करता है और आपको जिता देता है। तो आप यहाँ पे ये फैसिलिटीज जो नीचे दी गई हैं, जिमनेशियम में फैसिलिटीज, हर वो चीज जो एक हॉस्टल के अंदर आपको चाहिए होती है, बॉडी वॉडी बनानी है जिम जाओ यार, अच्छा खाना खाना है वो भी मिल रहा होता है आपको, इंडोर प्लेइंग फैसिलिटीज, टीटीवीटीवीटी वगैरह ये सब तुमको, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह अंदर ही दिख जाएंगे तुमको, जब रात में जितने बजे मस्ती करनी है खेलो यार, खेलो दबा के, पढ़ो खेलो, फिट रहो बॉडी से भी माइंड से भी। कॉलेजेस में आपको अपने आप को इवॉल्व करना है हर तरह से, ठीक है,
तो इन सब बातों को हम जब खत्म करते हैं और मस्ती की बातों से कुछ सीरियस बातें करते हैं तो अकेडमिक की बात आती है। जी हाँ, अकेडमिक्स हमारा करिकुलम अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मिड सेमेस्टर और एक एंड सेमेस्टर हो रहा होता है, ठीक है, जिसकी जिसमें हम लोग अगर मार्क्स अगर डिवीजन की बात करें तो कुछ इस तरह से स्कीम है हमारी। मिड सेमेस्टर 25 नंबर का, प्रोजेक्ट होते हैं 20 नंबर के, रिटर्न उसमें होता है 16 नंबर का, प्रेजेंटेशन हो रही थी यानी कि वाइवा एक तरह का 4 नंबर का, ठीक है। एंड सेमेस्टर का तुम्हारा जो है ना 50 नंबर का पेपर हो रहा होता है, इसके अलावा तुम्हारे अटेंडेंस के 5 नंबर है। भाई मेरे, अगेन आई रिक्वेस्ट टू द अथॉरिटीज, अगर कोई भगवान का दूत सुन रहा हो तो प्लीज एक सवाल का मुझे जवाब दे दें और ये बात कहीं से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दें कि ये क्यों होता है, अटेंडेंस 5 नंबर क्यों सर? आप देख रहे हैं कि इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करके इतने कठिन एग्जामिनेशन में फोड़ कर हमारे स्टूडेंट जब वहां पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी तो अपने फ्यूचर की चिंता है, क्या वो नहीं चाह रहे हैं अपने लिए कुछ अच्छा? तो आप उन्हें फोर्स करके उन क्लासेस को भी अटेंड करने को मजबूर कर रहे हैं जिनमें शायद वो चाहते नहीं है, और आप उनके लिए कह रहे हैं कि नहीं जी आप 95 से 100 तक आएंगे तो 5 नंबर मिलेंगे आपको, 90 से 94% अटेंडेंस होगी तो 4 नंबर मिलेंगे, इसी तरह से आप उनके नंबर काटते चले जाते हैं। तो क्या ये ठीक है सर? सर एक बात समझिए, एक्सप्लोर करने के लिए आपने खुद ही इतनी सारी एक्टिविटीज बना के रखी हैं, इसके अलावा भी दुनिया बाहर हो रखी है, तो क्या अभी तक 12th में जो हम केवल क्लास ओरिएंटेड रहे, क्लास में स्टिक रहे, क्या अभी भी वो जरूरी है? अगर वो नहीं जरूरी है सर तो फिर ये क्यों, ये क्यों? अगर स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ये चीज गलत लगती है तो मुझे बताओ कि उन्हें अटेंडेंस क्राइटेरिया ये चीज गलत लग रही है, और कोशिश करोगे तुम अपने कॉलेज में जाकर इसको बदलने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की बात कर रहे हैं हम लोग कि आगे ये सोसाइटीज, जी हाँ सोसाइटीज, सेल्स, रिसर्च सेंटर्स एंड कमिटीज, कॉलेज को एक्टिव रखने के लिए, कॉलेज में जान बनाए रखने के लिए, क्लासेस से और दुनिया को, बच्चों को क्लासेस के अलावा और चीजों से मतलब अवगत कराने के लिए क्या काम आती, यही सब चीजें दोस्त करके दिखाऊं। बूम, 24 सोसाइटीज, 24 क्लब्स लगभग आपको यहाँ पे एनएलयू में फंक्शन करते हुए मिल रहे होंगे, और बेस्ट पार्ट क्या है ना, क्या यहाँ डल नहीं पड़ी है चीजें, लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए जैसे कई सारे सेंटर्स हैं जो कंटिन्यूसली जर्नल्स निकालते हैं, कई सारे सेंटर्स हैं जहाँ के बच्चे उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे खासे प्राइजेस लेके आ रहे हैं, लाइक आप मूड कोर्ट में देख लो, आप ADR में देख लो, आप डिबेटिंग में देख लो, ये सब चीज़ें हैं, कॉर्पोरेट लॉ, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट लॉ देख लो, अच्छा खासा यहाँ पे काम चल रहा है दोस्त, ठीक है। सो आई वुड से कि आपको अगर इन चीज़ों में आप पार्ट लेते हो, आप अपने आप की पर्सनैलिटी की तौर पे देख के आपको कहाँ पे अच्छा लग सकता है उस हिसाब से आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लाइक समवन वांट्स टू स्टार्टअप तो उस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप सेल भी बना हुआ है ना, पब्लिक हेल्थ लॉ भी उसके लिए सेंटर बना रखा है, तो आप जिस चीज में नॉलेज गेन करना चाहते हो आप उस फील्ड में घुस सकते हो, आपके पास सेंटर्स अवेलेबल हैं दोस्त। तो ये चीज मे को एनएलयू होगी बहुत सही लग रही है, ठीक है। आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन, फैकल्टी की बात करें तो अपन कौन होते हैं भाई, अपन बताने वाले कि फैकल्टी अच्छी है कि बच्ची बुरी है, बट बच्चे जो कह रहे हैं कि फैकल्टी बढ़िया है सर, फैकल्टी में कुछ बच्चे के हिसाब से सभी अच्छी हैं, कुछ के हिसाब से कुछ अच्छी कुछ खराब, और कुछ के हिसाब से जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होंगे सब खराब। तो इसके बेसिस पे मेरा हमेशा की तरह वही स्टैंड रहेगा कि टीचर्स यार सब अच्छे होते हैं, इन जगहों पर जो पहुँच के पढ़ा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो उनसे उनके बारे में हम रिव्यू देने का कोई दम भी नहीं रखते हैं, बट हाँ जो बच्चे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कुछ अच्छे कुछ खराब, बाकी तुम देख लेना यार, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन, तो अब आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर कि सर एनएलयू जाएं, एनएलयू मिले तो जाएं कि ना जाएं, ठीक है। तो यार एक बात समझो, कुछ बच्चों को मैंने देखा कि उन्हें NLU, HNLU, RMNLU इस तरह के कॉलेजेस मिल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो ड्रॉप ले लेते हैं और सोचते हैं कि आई विल गो टू NLS या NALSAR ओनली, NUGS से नीचे तो बात ही नहीं करनी। तो मेरे हिसाब से वो तुम्हारा डिसीजन गलत है दोस्त, क्योंकि NLU तुम्हें अच्छे डिबेटिंग के लिए, अच्छे मीटिंग के लिए एटमोसफेयर प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हें डिफरेंट सोसाइटीज के लिए
एक्टिव सोसाइटीज में पार्ट लेने का मौका दे रहा है। तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है दोस्त, है ना। तुम्हें प्लेसमेंट्स के लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल जा रही हैं। मतलब मैं बात करूं, मुझे दोस्तों ने बताया मेरे कि कुछ बच्चों को फोर्थ ईयर में ही पीपीओज मिल रहे होते हैं, कुछ को, वो भी छोटे मोटे नहीं, 15 लाख के ऊपर के दोस्त। तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ लॉ स्टूडेंट यार। तो अगर तुम इतना ही अच्छा करना चाहते हो तो यार कॉलेज में पहुंच के उस एक साल को लगाओ, है ना। अदरवाइज जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ कॉलेजेस में कंफ्यूजन हो रहा है कि एनएलयू ओ जाऊं या एचएनएलयू जाऊं, एनएलयू ओ जाऊं या आरएमएनएलयू जाऊं, तो उन सब चीजों का डाउट मैं तुम्हें आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं कुछ कंपैरिजन की वीडियोस लेके आऊंगा। तो उनको भी देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीपीओस बहुत बढ़िया हो रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे प्लेसमेंट भी डिसेंट हो रहे हैं यार, ठीक है। और इसका रीजन भी है, ये कंपनीज आने लगी हैं क्योंकि यहाँ पे जो एनएलयूओ के बच्चों के अचीवमेंट्स है ना, वो धीरे 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 ग्रो करते चले आ रहे हैं। इस वजह से लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ के बच्चों की क्वालिटी अच्छी हो रही है, ब्रांड नेम स्ट्रांग होता जा रहा है एनएलयूओ का, आने वाले दिनों में ये चीज और अच्छी हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं, जाइए तो है लिया, बिल्कुल जाइए सर। इंटर्नशिप आपको अच्छी मिल जाएंगी यहाँ पे, जॉब अच्छी मिली जाएगी। सरकारी निकालना है तो उसके लिए प्रेशर ज्यादा हो नहीं रहा होगा, तो इसलिए आई वुड से कि एक अच्छा कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है, आपकी मेहनत के लिए वर्थ इट कॉलेज है। आप अगर यहाँ पे अच्छे से काम करेंगे तो आपकी मेहनत को रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग दोस्त, और इसी तरह की वीडियोस और देखनी हो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो, इंस्टाग्राम पे मुझसे आके पर्सनली इंटरेक्ट करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल आइकन को दबाए बिना मत जाना दोस्त, क्योंकि सब्सक्राइब किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो कोई मतलब नहीं रहा यार, क्योंकि नोटिफिकेशन तुम तक फिर नहीं पहुंचेगा। तो इसी के साथ चलते हैं, गुड लक फॉर द एग्जाम्स।